हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज्य सरकारी जॉब 24 में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान पीटीटी 2023 के बारे में। जी हां फ्रेंड्स, यदि आप बीएड करना चाहते हैं राजस्थान में प्री बीएड का, तो उसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं, जो कि 19 अप्रैल इसकी यहाँ पर लास्ट डेट थी। और इसके जो फॉर्म है, फॉर्म की जो डेट है 3 बार बढ़ाई गई थी। एक तो आपको यहाँ पर 5 अप्रैल इसकी यहाँ पर लास्ट डेट थी, ठीक है। पहली डेट आपको यहाँ पर 5 अप्रैल थी, इसके बाद यहाँ पर 15 अप्रैल कर दी गई, और इसके बाद यहाँ पर 19 अप्रैल, यानी कि 3 बार आपके यहाँ पर इसकी लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया था। और इसके बाद आपकी कोई भी लास्ट डेट नहीं बढ़ाई जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आपके फॉर्म भी भरना समाप्त हो चुके हैं, इसका कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट पूरा हो चुका है। अब आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके फॉर्म यहाँ पर भरने समाप्त हो गए हैं, तो यहाँ पर कुल कितने यहाँ पर फॉर्म आए हैं, कितने फॉर्म भरे गए हैं। और पिछली बार की बात की जाए तो यहाँ पर 2022 की जो पीटीटी प्री बीएड हुआ था, ठीक है, इसके एग्जाम फॉर्म भरे गए थे, तो 5 लाख से ज़्यादा इसके यहाँ पर आवेदन आए थे, ठीक है। तो इस बार यहाँ पर आवेदनों की संख्या कम रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं 20 अप्रैल की यह अपडेट है, ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। मैंने पिछले वाली वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पर लास्ट डेट है, ठीक है, उसके बाद आपके जितने फॉर्म भरे जाएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर ऑफिशियल रूप से इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर से एक बार फिर से बढ़ेगी क्या डेट, आपको इस पर भी थोड़ी सी बात करने वाले हैं कि आखिर डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। और इसके बाद आपको यहाँ पर एग्जाम डेट को सभी को पता है कि 21 मई को आपका यहाँ पर है जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है। 21 मई को आपका एग्जाम होगा। और एडमिट कार्ड के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर आपके जो एडमिट कार्ड हैं कब आएंगे, तो आपका जो 21 मई को आपका यहाँ पर एग्जाम है, ठीक है, 21 मई को आपका एग्जाम है, तो आपको यहाँ पर लगभग आपको यहाँ पर 15, ठीक है, 15 मई के बाद आपका एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली डेट के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 या 6 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाता है, आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाता है। तो आशा है कि 15 मई के लगभग आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। जैसे एडमिट कार्ड जारी होगा उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो मेन वीडियो है हमारा कि कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आपको राजस्थान पीटीटी 2023 से संबंधित हर एक प्रकार की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती रहेगी, जो कि आपको इस वीडियो में भी मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कितने फॉर्म आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बीएड का जो एग्जाम होता है उसे हम एंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं, ठीक है। अब नहीं बढ़ेगी आवेदन की अंतिम तिथि, अगले सप्ताह तक होंगे केंद्र गठित, ठीक है। तो अब आपको आश्वस्त होंगे कि अब आगे डेट नहीं बढ़ने वाली है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 1.7 लाख अभ्यर्थियों को मिलेगा 941 बीएड कॉलेजों में एडमिशन। प्री बीएड 21 मई को होगा, आपका यहाँ पर देख सकते हैं इसको बोला गया है प्री बीएड, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एग्जाम देना होगा, इंस्ट्रेंस आपको यहाँ पर एग्जाम होना देना होता है, उसके बाद आप बीएड कर पाएंगे, इसलिए इसको यहाँ पर प्री बीएड कहा गया है। 21 मई को आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और पिछले साल का जो आपका एग्जाम हुआ था 3 जुलाई को आपका यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, क्योंकि सेशन बहुत लेट हो चुका था इसलिए यहाँ पर लेट एग्जाम करवाया गया था, ठीक है। बात कर लेते हैं यहाँ पर देखते हैं 21 मई को आपको यहाँ पर एग्जाम होने वाला है, इसके जो परीक्षा केंद्र है बनना भी यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। और ये विशेष जानकारी यहाँ पर कुलपति प्रो आईवी ने, यहाँ पर त्रिवेदी जी ने, ये जो कि हमारे पीटीटी समय के अधिकारी हैं, उन्होंने ये जानकारी शेयर की है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो इसकी डेट है, मैंने आपको बता दिया 3 बार आपकी यहाँ पर डेट बढ़ा दी गई थी। बात करते हैं सीधे, हम बात करते हैं अपना मुद्दा जो भी रहने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं 4.80 लाख अभ्यर्थियों ने किया आवेदन, ठीक है, दोनों का यहाँ पर ये आवेदन है, आपके यहाँ पर 2 ईयर्स का है, ठीक है, दोनों ईयर्स का है, 2 ईयर्स का और 4 ईयर बीएड, दोनों ईयर्स का यहाँ पर आवेदन टोटल मिलाकर यहाँ पर आया है, ठीक है, जो कि फ्रेंड्स 4.80 लाख आया है। पिछले साल से यहाँ पर देख सकते हैं 20,000 आवेदन कम आए हैं इस साल, ठीक है। पीटीटी परीक्षा के लिए अब तक 4.80 लाख आवेदन ऑनलाइन आ चुके हैं, जो कि दो वर्षीय बीएड और बीएड पाठ्यक्रम के आवेदन करने की संख्या, ठीक है, 1,75,000 के करीब है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3,75,000 कितने कैंडिडेट की यहाँ पर आई हैं, 2 वर्षीय बीए बीएड वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी संख्या यहाँ पर है 3,75,000 हैं, और जो बाकी के बचे हुए हैं वो 2 ईयर से बीएड के आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं
ठीक है। तो यहाँ पर ये संचालन आपको देखने को मिल जाता है। ऑफिशियल सूचना है ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ऑफिशियल सूचना कैसे मिलेगी, यहाँ पर जैसे डॉक्टर नरेंद्र पानेरी जो कि राज्य नोडल अधिकारी हैं पीटीटी के, उन्होंने ये सूचना यहाँ पर अपडेट की है कि अब तक यहाँ पर 4.80 लाख आवेदन आ चुके हैं। तो ये ऑफिशियल ही सूचना है, आप अखबार की न्यूज में भी यहाँ पर आप इसमें यकीन कर सकते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। तो यही है, और आपके एडमिट कार्ड हैं 15 मई के लगभग यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतने से, वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आपको पीटीटी 2023 से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल अपडेट्स लगातार मिलती रहेगी। और यहाँ पर आपकी जो BSTC का जो इंतजार कर रहे हैं जो स्टूडेंट, उसके भी अप्रैल यहाँ पर समाप्त तो होने वाला है, ठीक है। अप्रैल या फिर मई के फर्स्ट वीक में आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।